नमस्ते सुरेंद्र भैया। नमस्ते पुष्पा दीदी। कहाँ चले? अजोला गड्ढा बनाने निकला था। अच्छा, आप हमें भी दिखाएंगे? हाँ जरूर दिखाएंगे। भैया, एक गड्ढा कहाँ खोदना चाहिए? घर या खेत के पास कोई भी छांव वाली जगह इसके लिए उचित होगी। भैया, एक गड्ढे की माप क्या होनी चाहिए? लंबाई 6 फुट, चौड़ाई 3 फुट और गहराई 1 फुट होनी चाहिए। गड्ढे को समतल बनाना चाहिए ताकि सारे नाप एक समान हो। और ये अजोला का गड्ढा बनाने में क्या सामग्री लगेगी? हमें चाहिए एक तारपीन शीट, जरूरी मात्रा में अजोला, बांबी मिट्टी, गाय का गोबर और पानी। भैया, ये टारपोलिन शीट क्यों इस्तेमाल करते हैं? दीदी, तारपलिन इस्तेमाल करने से मिट्टी पानी को सोख नहीं सकती। अच्छा, अब आप हमें बनाने की विधि दिखाएंगे? जरूर दीदी। सबसे पहले बांबी मिट्टी को पानी में मिला दें। उसके बाद गोबर को भी पानी में मिला दें। आखिर में दीदी पानी में अजोला ऊपर से डाल दें। एक हफ्ते में अजोला गड्ढे में पूरा फैल जाएगा। इतना सा अजोला पूरे गड्ढे में कैसे फैलेगा? दीदी, अजोला फर्न जाति की है। इस प्रजाति की खूबी यही है कि वो कम वक्त में ज्यादा फैलती है। ये अजोला खेत में कब इस्तेमाल करना चाहिए? रोपाई के 15 दिन बाद इसे खेत में छोड़ दीजिए। एक हफ्ते में ये सारे खेत पर फैल जाएगा। भैया, ये अजोला का फायदा क्या है? ये पूरे खेत पर फैल के जंगली घास को उगने से रोकेगा। ये पानी को धूप में भाप बनने से भी रोकेगा। ये हवा से नाइट्रोजन सोख लेता है और उसे फसल को देता है। इससे यूरिया का इस्तेमाल कम किया जा सकता है। इसे आपकी लागत कम होगी क्योंकि रासायनिक खाद कम लगेगी। अगर इसे चारे में मिला दिया जाए तो मवेशियों में दूध का उत्पादन भी बढ़ता है। भैया, एक हफ्ता तो हो गया, हम अब गड्ढा देखें? चलो देखते हैं। देखिए दीदी, ये पूरी तरह से फैल गया है। हाँ भैया। दीदी, इसे हम अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। भैया, हमें ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।